Три огонь! रूस की तरफ से हो रही बमबारी के चलते यूक्रेन के कई शहरों में मलबे के ढेर बनते जा रहे हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन के बहुत से नागरिक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं लाखों लोग बेघर हो चुके हैं या फिर पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस टीम के सदस्य मलबे में दबी एक बिल्ली का रेस्क्यू ऑपरेशन करते दिखाई दे रहे हैं। इस काम के लिए स्टेट इमरजेंसी सर्विस टीम को काफी सराहा जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो को यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इमरजेंसी सर्विस विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक खार्किव में एक रूसी रॉकेट के हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में एक बिल्ली अपने मालिक से बिछड़ गई और फिर वो मलबे के ढेर में दब गई, लेकिन इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी हमले के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने यहां लोगों को बचाने के साथ ही मलबे में फंसी इस बिल्ली को निकालकर इसकी जान बचाई। फिर इस बिल्ली को एक महिला के हवाले कर दिया गया, जो आगे उसकी देखभाल करेगी। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, लेकिन इमरजेंसी सेवा से जुड़े कर्मचारियों का हौसला अब भी कायम है। ये युद्धग्रस्त यूक्रेन की एक छोटी सी कहानी है। फेसबुक पर 2 दिन पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। फेसबुक यूजर कमेंट करके यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों की तारीफ कर रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।